आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, यदि पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल 41.4% बढ़ा दी जाए तो सिद्ध कीजिए पृथ्वी का परिक्रमण न करके अपनी कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैंने ये फिगर के थ्रू समझा दे रहा हूँ। ये पृथ्वी है, यहाँ से जो है आर कक्षा की त्रिज्या पे जो है एक उपग्रह या द्रव्यमान का कोई उपग्रह जो है वी नॉट चाल से जो है कक्षीय चाल से इस वृत्ति पथ पे जो है गति कर रहा है। अब ये बोल रहा है अगर इसकी कक्षीय चाल जो है 41.4% बढ़ा दी जाए तो ये पृथ्वी की जो है परिक्रमण न करके जो है इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने कैपिटल एम मान लिया है और इसकी त्रिज्या आर है, इसकी कक्षीय त्रिज्या जो है स्मॉल आर है और उपग्रह का द्रव्यमान एम है और इसकी कक्षीय चाल जो है वी नॉट है। ओके, तो हमने ये सारी चीजें मान ली है तो हमें पता है कि पृथ्वी के समीप अगर जो है अगर ये उपग्रह जो है पृथ्वी के समीप अगर गति कर रहा है, चूंकि उपग्रह जो है पृथ्वी के समीप जो है वृत्ति गति कर रहा है तो यहाँ पे अगर ये उपग्रह के समीप वृत्ति गति कर रहा है तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं इसकी जो कक्षीय त्रिज्या है वो इसके पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगा लगभग। तो ये जो है लगभग इसके बराबर होगा। ओके, अब हमें ये पता है कि अगर कोई भी पिंड जो है अगर अस्थाई अब अगर कोई भी पिंड जो है अब हमें इसकी कक्षीय चाल निकालनी है, अगर कक्षीय चाल निकालेंगे तभी तो उसमें 41.4% की को बढ़ाने के बाद हम देखेंगे कितना कक्षीय चाल आएगा। अगर इसको जो है इसका जो है अगर इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलना है तो इसकी जो कक्षीय चाल होगी इसका जो चाल होगा वो जो है पलायन वेग से जो है ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होगा। अगर हमें ये पता है कि अगर कोई भी पिंड जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकालना है तो उसकी जो वेग होगा वो पलायन वेग से बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए तभी वो गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल पाता है। अब अगर हमें ये यही चेक करना है अगर इसकी कक्षीय चाल को अगर 41.4% अगर बढ़ा रहे हैं तो ये पलायन वेग से ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। अगर पलायन वेग से ज्यादा होगा तो ये जो है इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है अब हमें ये पता है कि अगर ये अस्थायी रूप से इस अब हमें ये जो है वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। अगर ये इस वृत्ति पथ पे अस्थायी रूप से जो है परिक्रमण कर रहा है तो हमें ये पता है कि इस पिंड पे जो लगने वाला जो है अवकेंद्रीय बल होता है वो हमें गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। तो यहाँ पे जो है अवकेंद्रीय बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, ये एफ ए बराबर होगा एफ जी गुरुत्वाकर्षण बल है और ये अवकेंद्रीय बल है। तो यहाँ से अगर हम दोनों की वैल्यू लिखेंगे अवकेंद्रीय बल जो होता है एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये आर होगा और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा जी एम एम यहाँ पे एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और ये उपग्रह का द्रव्यमान है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। ओके, अब ये आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग बराबर ही है तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं एक आर से कैंसिल हो जाएगा तो वी नॉट स्क्वायर जो है जी एम डिवाइडेड बाई आर है। अब यहाँ से अगर हम इसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आर से डिवाइड कर देंगे तो ये जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो है जी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो यहाँ से वी नॉट की जो वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट जी आर आएगी। ओके, तो अब इसके बाद हम इसमें क्या करना है 41.4% इसको बढ़ा देना है, इस कक्षीय चाल को 41.4% अगर बढ़ाएंगे तो हमारा जो वी नॉट डैश आएगा वो जो है पहले तो इतना ही है फिर उसके बाद जो है इसका जो है 41.4% जो है बढ़ा दे रहे हैं, इस 41.4% ऑफ वी नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से जो है अब जब हम इसको सरल करेंगे तो ये वी नॉट प्लस 41.4 इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ओके, तो ये जो है वी नॉट प्लस 0.414 वी नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये करेंगे तो ये आएगा 1.414 वी नॉट। अब ये पता है कि हमें जो है 1.414 जो है अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है तो ये अंडर रूट 2 और वी नॉट जो है अंडर रूट जी आर है। ओके, ये जो है कितना है अंडर रूट जी आर। अब इन दोनों का अगर साथ में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 जी आर। तो ये 41.4% बढ़ाने के बाद जो इसका कक्षीय चाल निकल के आ रही है कक्षीय चाल अंडर रूट 2 जी आर आ रही है। ओके, तो अब इसके बाद हमें ये पता है कि जो पलायन वेग होता है पलायन वेग जिसको हम वी ई से डिनोट करते हैं
इसका पलायन वेग की वैल्यू जो होती है इसकी भी अंडर रूट 2gr होती है। इसको हम समीकरण 1 मान लें। पलायन वेग की भी वैल्यू जो है कितनी होती है, अंडर रूट 2gr ही होती है। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं v नॉट और v दोनों एक दूसरे से बराबर हो गए, तो यहाँ पे समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो जो अब इसका जो 41.4% बढ़ाने के बाद जो जो इसकी वेलोसिटी आई है, वेग आया है उपग्रह का, वो जो है पलायन वेग के बराबर आ गया है। अब अगर ये वैल्यू जो है पलायन वेग के बराबर आ गई है तो इससे ये प्रूफ हो जाता है, तो इसलिए जो है उपग्रह जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से जो है बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसलिए उपग्रह जो है अंतरिक्ष में चला जाएगा। अंतरिक्ष में क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो है कक्षीय चाल जो है अब पलायन चाल के जो है बराबर या इसके बराबर आ गई है। और अगर इतना आ गई, अगर इसके बराबर आ गया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र जो है पार कर जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से बाहर निकल जाएगा। अगर बाहर निकल जाएगा तो अंतरिक्ष में चला जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, यही सिद्ध करना था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।